ये ठीक है, आगे रहता तब इनका आगे से आता, या तो इस उस साइड से कर, लेकिन दस को फिर नहीं आता। ठीक है, ठीक है। यहाँ से जूडो खेल के बारे में आपने सुना होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूडो की शुरुआत हुई 1900 में। इसकी शुरुआत की प्रोफेसर हिबारू कानो ने जापान के हैं, कोडोकान क्लब नाम की जगह थी वहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने 22 साल की उम्र में ही इस खेल की शुरुआत की थी, लेकिन दूसरी तरफ हीरो छोटू अगर भारत की बात करें तो भारत में जूडो शुरू हुआ 1929 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया। आपकी सूचना के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ था 1882 में, इंडिया में आया 1929 में। देयर इज अ ह्यूज गैप बीच में काफी अंतराल के बाद, इसलिए वी आर लैकिंग इन दिस एरिया, हम इस क्षेत्र में थोड़े पिछड़े हुए हैं। लेकिन अभी एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे मेडल्स आ रहे हैं। यह केवल खेल के लिए ही नहीं है, यह एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा स्पोर्ट है जिसका उपयोग हम आत्मरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। आई शैल डेमोस्ट्रेट डिफरेंट टेक्निक, मैं कुछ टेक्निक डेमोस्ट्रेट करूंगा, एंड आई होप, मुझे आशा है कि आपको ठीक लगेंगी, केवल ठीक ठीक नहीं प्रभावशाली भी लगेंगी। शुरू करते हैं जूडो टेक्निक से। जिस खेल के बारे में हम जान रहे हैं उसमें टेक्निक कौन कौन सी यूज होती है? सही है ना कि कौन कुछ करी सर हो रहा है। उलंग नाई फिर को ना प्रॉब्लम तो नहीं, प्रॉब्लम है उनका लेना जरूरी है, बच्चों का मेन जरूरी है ना। बस हाईएस्ट जूम इससे ज्यादा नहीं होगा।
Así Portunga. Thank you.
सुनील सर बोले उनका आना चाहिए Thank you.
जाओ जाओ समीक्षा, जाओ जाओ एक बार। ये बच्चा अभी हल्का सा कहीं चर्क लग जाए तो
एल्बो का तो कहीं रिकवरी नहीं है, कभी एल्बो टूट देगा रिकवरी नहीं है। और किसी को देखना गिरना कैसे है? अगर लैंडिंग गलत होगी तो लीड टू फ्रैक्चर। बेहोश हो जाओ अच्छा रहेगा। मैं किसी भी कॉन्टेस्टेंट को थ्रो करता हूँ, मान लीजिए मैं इनको थ्रो कर रहा हूँ, इनको पता है कि लैंडिंग कहाँ पर होगी, पता है कि सॉफ्ट टिश्यूज पर लैंडिंग होगी। अगर यही लैंडिंग यदि घुटने पे हो जाएगी या एल्बो पे हो जाएगी या कंधे पे, तो कॉलर बोन उसी समय टूट जाएगी। आपको मैं जैसे थ्रो करूँ, थ्रो कर रहा हूँ तो आप गिरोगे क्या? गिर रहा था हाथ पर गिर रहा था। अगर मैं छोड़ दूंगा, हाथ में इतनी ताकत नहीं कि पूरे शरीर का जब सह सके, है ताकत हाथ में? थ्रो किया, देखना क्या प्लेस करता है पहले। लगता है अगर थ्रो नहीं किया वहीं तक छोड़ा है। क्लियर? इस तरह की टेक्निक से, काफी टेक्निक से। Thank you.
एज ए स्पोर्ट यूज होता है, जो जूडो खेल के रूप में उपयोग होता है, उसमें ओनली एल्बो लॉक इज परमिटेड। उसमें हम केवल एल्बो लॉक लगा सकते हैं, लॉक नहीं लगा सकते। लेकिन जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग क्या है, सेल्फ डिफेंस टेक्निक। उस सेल्फ डिफेंस टेक्निक से मैं किसी भी लॉक का प्रयोग कर सकते हैं आत्मरक्षा के लिए। आप में से दो तीन एग्जांपल हैं, आते रहिए, एक एक मैं लॉक दिखाता हूँ, उन पर दिखाऊंगा। तो हो सकता है कि आपको इतने प्रभावशाली ना लगे, क्योंकि जो उन पर हो रहा है, यदि आप खुद इफेक्ट देखना चाहें, यू मे सी, आप देख सकते हैं। केवल एक एक तो शांत रहे और केवल एक बार में एक ही आए कौन, एक कैडेट। देखना तार पूछ रहे हैं कौन सा लॉक लगा सकते हैं, केवल एल्बो लॉक। मैं एल्बो लॉक का भी डेमोस्ट्रेशन दूंगा, रिस्ट लॉक का भी डेमोस्ट्रेशन दूंगा, कई लॉक्स का डेमोस्ट्रेशन दूंगा। केवल इफेक्ट देखिए, मैं प्रिंसिपल की बात, उस सिद्धांत की चर्चा दोबारा करना चाहूंगा जिस सिद्धांत पर जूडो आधारित है, मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम मात्रा में अधिक से अधिक। देखिए कुछ नहीं लगा रहा हूं, मान लीजिए रिस्ट को पकड़ा, बहुत ताकतवर है, क्लियर, दोनों हाथों से पकड़ा, बहुत ताकतवर है। इसका देखिए मैं केवल एक गुली से लगाने का प्रयास करूंगा, कोई हाथ का ताकत नहीं लगाऊंगा। आपको होल्ड करना है, छोड़ दीजिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए।
पॉजिटिव सिचुएशन में है, पॉजिटिव सिचुएशन में कुछ भी करना, अपने हाथ को अपोनेंट के आर्म पिट में इंसर्ट तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, इस पोजिशन में ताकत अधिक भी लगा सकते हैं। इस पोजिशन में कॉन्टेस्ट चल रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसने दोनों हाथों को इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट करके अभी कंट्रोल में 100%। ये डेंजरस है, ये बहुत ही डेंजरस ब्लॉकिंग टेक्निक्स है। अब किसकी बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे, हमने चौक की बात कर ली, ब्लॉक की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे, होल्डिंग। अब हम बात करेंगे होल्डिंग टेक्निक। होल्डिंग टेक्निक क्या है, जब कोई भी कंटेस्टेंट आपके 100% कंट्रोल में हो, 100% नियंत्रण में, रोक दिया, शुरू कर दिया, अपने थ्रोट कर दिया, अभी मेरे कुछ नहीं कर सकता, 100% कंट्रोल में कुछ नहीं कर सकते हो, मान लीजिए और स्ट्रॉन्ग है, अधिक स्ट्रॉन्ग है,
आज तो गया ये। अगर ये फोर्स यहाँ, मैंने हाथ तो यहाँ रख दिया, ठीक है, अब पूरा एग्जीक्यूशन देंगे, ठीक है, डेंजर है नहीं है। अगर यहाँ ब्लॉक कर दिया करेंगे, ये टेक्निक्स है, तो सेल्फ डिफेंस की बड़ी डेंजरस है। टेक्निकल पार्ट पूरा हुआ, अभी तक तो केवल डेमोस्ट्रेशन पर्पज से, अब आपको थोड़ा सा कॉन्टेस्ट बताते हैं कि एक कॉन्टेस्ट जूडो का कैसे होता है। जूडो कॉन्टेस्ट शुरू करने के लिए जैपनीज टर्म यूज होते हैं, जो शब्द यूज कर शुरू करने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं हजमे। टेम्परेरी ब्रेक का कहते हैं माते, बाउट खत्म होने का सोलह मादे। ये कॉन्टेक्स्ट को देखिए, ये नहीं, ये नहीं। Gracias.